मैं आ गया हूँ एक और किवने वाली वीडियो को लेकर। और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं भैया, बहुत ही मौसम बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि सुनहरा है, तो मौसम रियली में आज रंगीन है और वीडियो बनाने में बहुत ही एंजॉय आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करो और हाँ शेयर सभी लोगों तक ज़रूर कर देना, ताकि जितने लोगों के कॉमेंट्स आए हों उन सभी लोगों को उनके कॉमेंट्स सुनने को मिल सकें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट विकास चौधरी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस किवने वाले लेशन को। तो मुकेश कुमार राजपूत जी कहते हैं, विकास सर आपने जो फोकस मोड पर वीडियो बनाई है बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो थैंक यू सो मच इसके लिए मुकेश जी। और वो कहते हैं कि जीशु की सीरीज़ चलाओ विकास सर, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चलाओ। तो बिल्कुल मुकेश जी, जीशु की सीरीज़ बिल्कुल उचित समय पर चलाई जाएगी, है ना। बट अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, 1K सब्सक्राइबर तो आप लोगों को कंप्लीट करवाने ही होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक कमेंट आया है, ब्लाइंड संजर कुछ करके नाम है, तो उन्होंने कहा है सर हर एक चीज़ फ़ोन में डबल टैप होती है लेकिन फ़ोन का कीपैड डबल टैप नहीं होता, 1 2 3 4 5 वाला जो होता है फ़ोन डायलर पैड, राइट। बिल्कुल होता है ना, सैमसंग के फ़ोन में तो बिल्कुल ही सिंगल और डबल हो जाता है, ठीक है। आई थिंक रेडमी और शाओमी के फ़ोनों में भी हो जाता है, ठीक है। मैंने एक जगह देखा था, है ना, तो मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश बहुत जल्दी करूँगा। बाकी आपने वीडियो देखा, सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच आपको। इन्फोटेक फॉर ब्लाइंड कहते हैं सर जीशु की प्लेलिस्ट आप जितनी जल्दी हो सके चैनल पर लाओ। तो जी हाँ, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा सर, बहुत जल्द जीशु की प्लेलिस्ट आएंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग वीडियोस को सपोर्ट करो, शेयर करो सभी तक जितनी जल्दी हो सके, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद हम लोग जीशु की सीरीज़ ज़रूर चलाएँगे और बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को सिखाया जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो देखा। मुकेश कुमार राजपूत जी कहते हैं, विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने किवने वाली वीडियो आप हमेशा सही समय पर अपलोड करते हो, समय दी इधर उधर हो भी जाता है तो भी आप अपलोड वीडियो करते ही करते हो। तो जी हाँ मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोबल बढ़ाने के लिए, और वीडियो अपलोड करना तो सर मेरा फ़र्ज ही है, तो जो कि मैं करने की कोशिश करता हूँ। बस कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी एक बार फिर कहते हैं, विकास सर आपने टेलीग्राम के बोर्ड पर वीडियो बनाई है, वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और इसकी वॉइसेस भी बहुत अच्छी लगी, तो थैंक यू सो मच मुकेश जी, जो आपको हमारे द्वारा दिया गया बोर्ड और इसकी वॉइसेस आप लोगों को पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन साहू जी कहते हैं, विकास जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसी वीडियो बनाई, वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और इसकी वॉइसेस भी बहुत ही अच्छी लगी, तो थैंक यू सो मच पवन जी, जो आपने हमारी वीडियो को देखा, कमेंट किया, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्टिंग के लिए। यहाँ पर एक कमेंट आया है जिनका नाम समझ में नहीं आ रहा, और उन्होंने कहा आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं, कोई ऐसा एप्लीकेशन बताओ जो एकदम परफेक्ट फ़ोटो खींच सके और परफेक्ट तरह से मतलब सपोर्ट करे एक ब्लाइंड पर्सन को। तो सर बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा, ऐसे कुछ कैमरेज हैं तो, है ना, बाकी मैं देखता हूँ कोई इन कैमरों से बेटर अगर कैमरा मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों तक शेयर करूँगा। एक टेक्निकल करके कुछ कमेंट्स आया है, तो वो कह रहे हैं कि सर आप 2-3 साल पुरानी वीडियोस बनाते रहे, तो सर पुराने तो हम भी हैं, नए तो हम भी नहीं, है ना, तो नया और पुराना तो चलता रहता है, मानते हैं आप जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस चीज़ के बारे में जानते ही जानते हों, है ना, तो ये बात होती है। ऐसा नहीं कि मान लो अभी हम जानते हैं तो आप नहीं जानते हैं, ऐसा थोड़ी ना, हम जानते हैं तो कोई और भी जानता है, है ना, कोई नहीं भी जानता है तो संसार में हर एक तरह के लोग हैं, तो हमको सभी को देख के चलना है, ना कि किसी एक को, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो देखी और सपोर्ट किया इसके लिए। रमाप्टर करके कुछ पता नहीं क्या अजीब नाम दिखा रहा है, तो उनका कमेंट आया है, ये कह रहे हैं सर वीवो के फ़ोन में सैमसंग का टेक्स्ट स्पीच कैसे यूज़ करें, इस पर वीडियो बनाऊँ। तो सर ये तो अभी मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि मैं वीवो के फ़ोन से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीवो का फ़ोन इस वक्त मेरे पास है नहीं और हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा तो माफ़ी चाहता हूँ, है ना सर। तो ये बात है, अभी मेरे पास वीवो का फ़ोन तो फ़िलहाल में है नहीं, है ना, बाकी आप सैमसंग के टेक्स्ट स्पीच को बहुत ही ईजी तरह से यूज कर सकते हो अपने वीवो रेडमी शाओमी के मतलब किसी भी फ़ोन में, है ना। मैं रेडमी फ़ोन से या फिर अदर किसी फ़ोन से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो देखा और सपोर्ट किया इसके लिए, थैंक यू सो मच। ये थे कुछ इस सप्ताह के कमेंट्स जो कि मैंने आप सभी लोगों के सामने रीड किए। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को कुछ सवाल हैं तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना आने वाले संडे को,
अगली के होने वाले लेसन में आप सभी लोगों के कमेंट डेफिनेटली रीड किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे आपको इसी टाइम में फिर एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।